ओके okay, आज हम प्रैक्टिकल नंबर 8 पढ़ेंगे, कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया इन लिक्विड मीडियम। आप लोगों से एक दो चीज़ें डिस्कस करनी थी। मैंने आपकी 6 डेट की और 17 डेट की जो है ना अटेंडेंस अपलोड की है, तो बाकी 2 दिन की रह गई है और आज के दिन की। ये इंशाल्लाह आज मैं कोशिश करूँगी ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है? तो अगर किसी का कोई इशू होगा तो मुझे बता दे, अदरवाइज मैं हर चीज़ को वेरीफाई करके फिर जो है वो लगा रही हूँ। जिस इसकी एब्सेंट होगी ना वो दोबारा से बता दे कि ये एब्सेंट है, इतना प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ये कल मुझे बताइएगा, क्योंकि आज भी कंप्लीट नहीं है ना, तो बहुत सारे लोगों को अपनी अटेंडेंस कम शो हो रही होगी, तो ये कल जब कंप्लीट हो जाएगी ना फिर बताइएगा। ओके, एक और चीज़ पूछनी थी, आप लोग सिर्फ हैंड रेज कीजिएगा, मैक्सिमम लोग अगर इस चीज़ पे एग्री होंगे तो हम इसको कर लेंगे, अदरवाइज हम इसको नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरी 40% क्यों शो हो रही है? आपने सारी क्लासेस ली हैं लास्ट वाली? यस मैम, मैंने सब क्लासेस ली हैं, सिर्फ एक क्लास सिर्फ नेट की वजह से ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। आप पूरे, मुझे याद है आपकी काफ़ी सारी एब्सेंट्स हैं मेरे पास, मेरे पास सबके अटेंडेंस नहीं है, 6 की भी नहीं है और 17 की भी नहीं है। मैम मैंने सारी क्लासेस ही ली हैं ना, मैंने कोई क्लास मिस नहीं की सिवाय 1 के, वो ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। लेकिन आपके पास, मेरे पास स्क्रीनशॉट में आपके अटेंडेंस नहीं है, मैंने एब्सेंट लगाने से पहले इसको 3-4 दफ़ा जो है ना वेरीफाई किया है, तो क्या इसके मैं गलत तो नहीं? मैम गूगल मीट पे अटेंडेंस उधर से हो पता नहीं चलेगा। कैसे नहीं पता चलेगा मैम? अटेंडेंस ऑटोमेटिक हो नहीं रही होती। हाँ जी हो रही होती है, लेकिन आपकी अटेंडेंस जो है वो मेरे पास नहीं है, मैंने उसको दोबारा से सारा देखा था। मैम ऐसे कैसे हो सकता है कि अटेंडेंस ना हो, जबकि मैंने क्लासेस में लेती रही हूँ। आपकी जो लास्ट वाले सारे स्क्रीन शॉट्स है ना उनमें देखूंगी, अगर हुई तो फिर मैं उसको दोबारा से चेक कर दूँगी। मैम चेक कीजिएगा, मैंने लिए हैं क्लासेस सारी। एक्सक्यूज मी मैम, मैम मेरी 60% शो हो रही है। ओके okay, ये मैंने कहा कि आप मुझे कल इस चीज़ को डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि आज अभी आपकी 3 दिन की जो अटेंडेंस है वो रहती है, आपकी 17 की भी, सॉरी 17 की हो गई है, 18, 19 और 20 आज की काउंट होके फिर आप बताइए कि किसका कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दें, ठीक है? कल डिस्कस की तो आज नहीं करेंगे, इतनी है इतनी है, ये जितनी जितनी आपकी प्रेजेंट है मैंने वही लगाई है। ओके okay, एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हम प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, ग्रुप वाइज प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, आप इसे जिस जो बंदा इस चीज़ से एग्री है वो, बल्कि जो बंदा एग्री नहीं है वो हैंड रेज करें। कौन से स्टूडेंट कहते हैं कि हम प्रेजेंटेशन नहीं देंगे या प्रेजेंटेशन देना जो है वो सही नहीं है, जो डिसएग्री करते हैं सिर्फ वो हैंड रेज करें। ओके okay, आप में से कोई एक स्टूडेंट, मैं नाम मेंशन कर देती हूँ, राशिद महमूद, आप मुझे बताएंगे कि आप प्रेजेंटेशन क्यों नहीं देना चाह रहे, क्या चीज़ जो है आपके जहन में है या आप मसला नहीं? जी मसला ये है ना, अभी हमारी कापियाँ जो है, मेरा जो मसला है वो कापीज पड़ी हुई हैं, और उसके बाद वाइवे की भी तैयारी है और LMS पे भी काम जारी है, तो इसलिए प्रेजेंटेशन का कोई टाइम नहीं मिलेगा, मेरा तो ये मसला है। मैम मैं एक्सप्लेन करूं? जी जी बताएं।
मैम सबसे पहली बात जो है ना वो कोऑर्डिनेशन की आ जाती है। अभी दूसरे ग्रुप्स में भी ये सब कुछ चल रहा है ना कि हमने बहुत जो है ना उस चीज़ को डिस्करेज किया था। मैं एक भी बंदा कोऑपरेट नहीं करता, दूसरा कहता है बस आप ही स्लाइड्स बनाते रहो हम जस्ट प्रेजेंट कर देंगे। एक पे बर्डन आ जाता है जिसको कंप्यूटर का काम आता हो, दूसरा कहता है सॉरी मेरे पास तो नेट ही नहीं है। ये सबसे ज़्यादा आती है ये चीज़ ना, हम आपको टीचर्स को शो नहीं करवा सकते लेकिन इन बिटवीन ना कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं होती। इसके अलावा हमारे ऊपर बर्डन एमिट्स का भी है, वाइवे का भी है, कॉपीज का भी है, चले वो तो स्टडीज का चल ही रहा है लेकिन सबसे बड़ा इशू कोऑर्डिनेशन का आ जाता है कि कोई भी नहीं कहता। मैं अभी 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 बिल्कुल मैं अभी एक क्लास से फ्री हुई हूँ, अभी भी मेरा ये इशू चल रहा है कि स्लाइड सारी मैंने बनानी है और दूसरी जो है वो कह रही है कि बस आप बना लो काइंडली प्लीज, मेरा तो ये मसला ये मसला ये मसला, ये प्रॉब्लम आ जाती है। इस वक्त बहुत से लोगों ने हैंड रेज नहीं किया होगा लेकिन आप देखें कि ये बिल्कुल भी जो है ना वो कोऑपरेट नहीं करेंगे, और हम लोग जितनों ने हैंड रेज किया ना हम सारे वही होंगे जो बहुत ज्यादा सफर कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, लेकिन मैं इस चीज़ को साथ साथ एक और बताना चाहती हूँ कि अगर मैं आपसे प्रेजेंटेशन ले रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि एक स्टूडेंट प्रेजेंट करेगा और एक स्टूडेंट ने बनानी है, इसके पास इंटरनेट है, ये है ये वो है। आप लोगों का सारा काम जो है वो है लैपटॉप का, तो आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट तो लाजमी चीज़ है, ये दोनों होना चाहिए। चलें लेकिन मैं इस तरह की आपकी प्रेजेंटेशन लूँगी कि उसके अंदर मैं देखूँगी कि हर बंदे का कितना कितना जो है वो कॉपरेशन है, कितना कितना उसने एडिशन किया हुआ है। लाइक एक बोलना चाहूंगी यहाँ पे, अच्छा पहले मेरी बात सुने ना फिर मैं आपसे भी पूछती हूँ। लाइक एक प्रेजेंटेशन है उसमें 5 स्टूडेंट हैं, तो वो 5 स्टूडेंट ने कौन कौन सा काम किया है वो साथ में स्लाइड के नीचे मेंशन करेंगे कि हमने ये वाला काम किया है। और फिर ये नहीं है कि मैंने एक टॉपिक दिया आप उसको सिर्फ नोट से कॉपी करेंगे, उसको पेस्ट कर देंगे, उसको प्रेजेंट करना शुरू कर देंगे, इस तरह का कुछ भी सीन नहीं होगा। आप लोग जो है उसको इंटरनेट से भी सर्च करेंगे, जितनी प्रिसाइज जितनी अच्छी आप बना सकते होंगे आप बनाएंगे, और साथ में आप उस पोर्शन को एक टॉपिक है उसके सब टॉपिक्स बना के आप हर हर स्टूडेंट का नाम मेंशन करेंगे कि इस स्टूडेंट ने ये वाला काम किया है, इस स्टूडेंट ने ये वाला काम किया है, ठीक है। तो फिर मैं उसको देखूँगी कि वैल्यूएट करूँगी कि किस स्टूडेंट ने कौन कौन सा काम किया है। और जब प्रेजेंट करना है तो प्रेजेंट में ये है कि एक बंदा अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करेगा, मैं जिससे मर्जी कहूँगी कि आपने प्लान जो टॉपिक है इसने यहाँ से छोड़ा है, आप आगे जो है इसको बताना शुरू करें। इट मींस कि एक टॉपिक जो है आप 5 स्टूडेंट हैं या 10 स्टूडेंट्स हैं उसको वर्ड टू वर्ड जो है वो उसकी हर चीज़ आनी चाहिए कि ये डाटा ने कहाँ से लिया है, इस चीज़ का क्या मतलब है और आपने कौन से काम किया है, इस चीज़ को भी मैं एवेल्यूएट करूँगी। मुझे पता था आपने ये चीज़ रेज करनी है, ये क्वेश्चन रेज करना है कि मैडम एक स्टूडेंट बनाता है और बाकी एक प्रेजेंट करता है तो बाकी के सब क्या करेंगे, इस तरह का कोई इशू नहीं होगा। सब लोगों को अपना जो है वो इनपुट देनी पड़ेगी, अगर वो नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है आपको आपको देखने से चीज़ पता चल जाता है कि आपने किस तरह काम किया है। जिसने अच्छा किया होता है उसको भी पता चल जाता है, जिसने उसको ऐसे बेदिली के साथ किया हुआ है उसको भी पता चल जाता है। ओके अब इस आप क्या कहना चाहेंगी इस ये बात सुन, एक सेकेंड मुझे कि मैंने भी ऐसे ही किया, हमारी डॉक्टर अनीला की क्लास में हमारी कोऑर्डिनेशन के साथ थी तो स्लाइड्स मैं ही बना रही हूँ। वो कह रही है ना कि जो स्लाइड्स नहीं बना रहे उन्होंने शायद हैंड रेज नहीं किया होगा, तो मैं स्लाइड बना रही हूँ। बट हमने इस तरह से किया है कि एक प्रैक्टिकल पकड़ के हम लोगों ने टॉपिक्स डिवाइड किए हैं और जो उस जिसका जो टॉपिक है वो अपने टॉपिक से रिलेटेड डाटा मुझे भेज रहा है, इवन देन के वो पिक्चर्स भी भेज रहा है और मैं उसको एक जगह पर कंपाइल करके हम सब मिल के वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं भी ये चाह रही हूँ कि कम अज़ कम अगर एक ग्रुप है वो एक प्रैक्टिकल को प्रेजेंट कर रहा है तो उसको कम से कम उसके बारे में ए टू जी हर चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन में ये नहीं होगा कि आप सिर्फ जो लिखा होगा मैं उसी में से पूछ लूँगी, मैं आपको उसकी डिस्कशन पूछूंगी कि आपने ये कैसे किया, इसके क्या वर्किंग है, कैसे कर रहा है, इसमें इस तरह कैसे पॉसिबल है। लाइक आपको क्रिटिकल मैनर में जाना इन चीज़ों को मैं एवेल्यूएट करूँगी। तो अब आप बताएं मैक्सिमम स्टूडेंट अगर इस चीज़ पे एग्री करते हैं तो हम इसको कर लेते हैं मंडे से। आपको मैम एक्सक्यूज मी, जी 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 बोलें मैम, ये असाइनमेंट वाला तो इशू ही होगा क्योंकि कुछ लोग इधर जॉब भी करते हैं, मैं भी जॉब करती हूँ और मंडे से वैसे भी वर्किंग डे स्टार्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, LMS भी है, असाइनमेंट्स भी हैं, प्रैक्टिकल नोटबुक्स भी है। यस मैम। मैम मैं एक चीज और देखिए वो आपकी जॉब है काफी,
तरह ना वाइवा की मार्क्स भी कुछ कम हो जाएंगे, अब तो सारा डिपेंड ही वाइवा पे है ना, तो प्रेजेंटेशन की वजह से। मैम सारे के सारे कर भी रहे हैं इस तरह के असाइनमेंट्स या प्रेजेंटेशन, तो आप भी दे दें हमें, फिर मार्क्स थोड़े डिवाइड हो जाते हैं तो हेल्प हो जाती है। ये ठीक है अगर आप प्रेजेंटेशन असाइन कर दें तो। कि अगर आप लोग जो है वो 14 मार्क्स की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप 100% वाइवा अच्छा दे सकते हैं, तो मुझे कोई इशू नहीं, मैं आपका वाइवा ले लूंगी। मैम वाइवा में इशू होता है ना नेटवर्क का, इसका इशू कोई नहीं होगा। अगर आप प्रेजेंटेशन दे दें हाफ मार्क्स की और हाफ का वाइवा ले लें तो हमें थोड़ा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी थोड़े मार्क्स आते हैं, उसमें भी आ जाएंगे, क्योंकि इस तरह तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी एक बंदे का वाइवा रह जाता है तो टोटली फेल हो जाएगा, लेकिन इस तरह उसको थोड़ी बहुत हो जाएगी कि अगर वाइवा में रह गया है तो कोई ना कोई मार्क्स तो उसकी प्रेजेंटेशन में से आएंगे ही ना। मैम आप सब ले रहे हैं, मैम आप नहीं सारे ले रहे हैं, सब इसी तरह डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर इस सब्जेक्ट का में रह ना जाए, पहले बड़ी मुश्किल से वो पहले सिलेक्शन होती है। मैम 14 मार्क्स का वाइवा अच्छा खासा लेंथी होता है, ये कोई मजाक नहीं, 14 मार्क्स हैं वो। हाँ एग्जैक्टली, वो डिवाइड हो जाए ना तो हमें भी थोड़ा, वो हम 100% कोई भी नहीं दे सकता, जितना मर्जी आप पढ़ ले 100% कोई भी नहीं दे सकता, तो ये कि थोड़ा हमें सेफ साइड मिल जाएगी अपना जो है वो रिजल्ट जो मेंटेन रखने के लिए, ना कि बिल्कुल ही उसमें जाके जो है वो हम उड़ जाए। अगर मैम वो मार्क्स डिवीजन के लिए जो है वो प्रेजेंटेशन असाइन करना चाह रही है तो मार्क्स डिवीजन में तो ये एक गुड आइडिया है, अगर ये विदाउट पर्पस है तो फिर ये गुड आइडिया नहीं। नहीं मैम मार्क्स लगाएंगे जाहिर है, बाकी भी तो ऐसे ही कर रहे हैं ना, वो हाफ ऑफ मार्क्स इज ऑब्वियस के मार्क्स होंगे, प्रेजेंटेशन ऐसे थोड़ी होती है, जब भी होती है मार्क्स के साथ भी होती है, चाहे आप ड्यूरिंग लेक्चर या वाइवा के साथ इस तरह। मैम की भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी, क्योंकि फिर मैम बच्चे कम रह जाएंगे ना, अगर 14 मार्क्स है तो आप 7-7 का चाहे 7 की प्रेजेंटेशन दे दें या 10 की प्रेजेंटेशन दे दें। ओके हीरा आप एक मिनट प्लीज चुप कीजिएगा जी। इनोकेस आप क्या कहना चाहते हैं? बताऊं कि आपने जैसे प्रेजेंटेशन का कहा है ना, इस प्रेजेंटेशन में एक्चुअली हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि हम एक नुखेज में कितना पोटेंशियल है किसी एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने में, इससे जो है एक अच्छे तरीके से स्टूडेंट के अंदर टॉपिक को अंडरस्टैंड करने का और अपना आइडिया एक्सप्लेन करने का भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, इससे स्टूडेंट ग्रो करता है और ये आपका बड़ा अच्छा आइडिया है। इससे तमाम स्टूडेंट जो कह रहे हैं कि हमें वक्त लगेगा, वर्क लोड है, तो यही तो एक्चुअली हम सीख रहे हैं कि आगे प्रोफेशनल लाइफ में जाके हमने हैवी वर्क लोड में किस तरह से काम करना है, और इससे मैम मार्क्स भी डिवाइड हो जाएंगे नो डाउट, और अल्टीमेटली ये दोनों चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जिसके लिए आज हम इस क्लास में बैठे हुए हैं। तो ये आपका आइडिया बहुत अच्छा है, मैं इसके साथ हूँ, बेशक मेरे ऊपर भी बहुत वर्कलोड है बट मैं इसमें मेहनत करूँगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम सब कि अच्छे तरीके से टॉपिक को प्रेजेंट करें ताकि हमें सीखने को कुछ मिले। एक्चुअली हम यहाँ पे मार्क्स के लिए नहीं बैठे हुए या हम यहाँ पे कुछ डिग्री लेने के लिए नहीं बैठे हुए, हम यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हुए हैं और इस प्रेजेंटेशन से वाइवा से हम बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू मैम। मैम जो मतलब ये कह रहे हैं मुझे उनकी समझ में आती है कि हम लोग वर्किंग हैं और वो, ये इशू मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आता है, लेकिन मैं आपको अपनी जो है वो एग्जांपल दूंगी कि नुखेज जानते हैं कि जिस वक्त मैंने अपना एमफिल किया था इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, तो मैं मॉर्निंग में जॉब करती स्कूल की, इवनिंग में मैं अपनी क्लासेस लेकर रात को 10 बजे घर पहुँचती थी, अगले दिन मेरी वही रूटीन होती थी, एग्जाम भी मेरे उसी में होते थे, प्रेजेंटेशन भी उसी में होती थी। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को जो है ना वो मेंटेन करना पड़ेगा इसके लिए। आप सब लोगों का मुझे जो प्रॉब्लम समझ में आता है, जो लोग टीचर हैं या वैसे ही कहीं जॉब कर रहे हैं, अरे ये थोड़ा सा हमारी लाइफ में होता ही है, सबके साथ होता है, थोड़ा सा इसे मेंटेन कर लें और इस आइडिया पे प्लीज़ कोऑपरेट करें, बजाय इसके कि 14 मार्क्स आप वाइवा के अंदर गंवाएं, तो बेहतर है कि यहाँ से कुछ थोड़े से मार्क्स जो है ना वो गेन। सॉरी एक चीज़ मैं आपको ऐड करना रह गया, अब ये सारे मेरे रिस्पेक्टेड क्लास फेलोज हैं, ऑनरेबल प्रोफेसर मौजूद हैं, अब मैं आज सुबह से अपने डिपार्टमेंट में अपनी PER जो होती है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सबमिट करवा रहा था, लेकिन मेरे साथ क्लास वालों ने देखा कि मैंने दोनों क्लासेस ली, एक्टिवली ली, और ये सारी चीज़ें इंसान जो है फिर ऐसे ही सीखता है। जी बिल्कुल, जितने ज़्यादा आप प्रेशराइज होते हैं ना उतने ज़्यादा आप सीखते हैं, लेकिन ये कि जब आप प्रेशर में होते हैं तो एक सिर्फ एक चीज़ नहीं करें, मायूस ना हो, बाकी उसको जितनी आपके पास पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग कर दें, और बाकी अल्लाह ताला आपको सिला देने वाले होते हैं। आमीन। थैंक यू मैम। मैम प्रैक्टिकल
सबमिटेड ईमेल बताइए मैम। मैंने आपसे कहा मैं आपको ईमेल करूंगी, मैं आपको ईमेल बता दूंगी, आप क्यों ऐसे करते हैं? जब नोटबुक जो है आपको, मैं कहूंगी ना आपने नोटबुक सबमिट करवानी है, तो मैं आपको ये ईमेल खुद करूंगी कि आप इस ईमेल के रिप्लाई में जो है वो मुझे नोटबुक सबमिट करवाएं, ठीक है? इसलिए इस तरह की चीज़ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और 27 जो है आई थिंक सो थर्सडे बनता है, 27 मई को आपकी नोटबुक्स जो है ना मैं आपको ईमेल करूंगी, 26 को 27 को आपने मुझे अपनी नोटबुक जो है वो सबमिट करवा देनी है 5 o'clock तक, ठीक है? तो कोशिश करें 5 o'clock तक करवा दें, ताकि मैं उसको एक दफ़ा देख के आपका साथ साथ में उसकी मार्किंग कर लूँ, और अगर कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर सबमिट नहीं हुई किसी की, तो मैं उसको रिप्लाई कर देती हूँ कि आपकी नोटबुक इस ईमेल के रिप्लाई में नहीं है। तो इस तरह जो भी कोई इशू होता है फिर उसको एक दिन के अंदर रिजॉल्व कर देती हूँ। मैम मैं एक चीज़ आपकी इजाज़त से हो तो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी मैम, लास्ट सेशंस में जब प्रैक्टिकल्स हुए थे तो ये चीज़ एक बहुत ऑब्जर्व की गई थी, मैं तब C8 था क्लास में, तो प्रैक्टिकल कॉपी को PDF फाइल में कन्वर्जन है, वो भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम बन जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा सा फ़ोन के साथ या कैम स्कैनर्स के साथ ज़्यादा अफिलिएट नहीं हुए होते या उनको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा किसी भी सेशन में 5 to 10 minutes का, जिसमें एक मैं या हम में से कोई भी या आप एक अपनी स्क्रीन शेयर करके PDF से जो PDF फाइल बनाना और कैम स्कैनर से क्रॉप करना ये सारी चीज़ें देख ली जाएं, ताकि ये ना हो कि किसी भी तरह से PDF फाइल बनाते हुए मेरे किसी भी रिस्पेक्टेड क्लास वालों के कोई मार्क्स कट जाएं या कॉपी का नाम कैसे रखना है, ताकि फ्लुएंसी के साथ काम चलता रहे। ओके इट्स फाइन, मैं साथ साथ बताती भी हूँ, लेकिन अगर आपको किसी स्टूडेंट को इशू है तो मैं उसको दोबारा से बता दूँगी, ठीक है? और चलिए मैं आपको कल जो है टॉपिक असाइन कर दूंगी और आप लोग उसके ऊपर काम कीजिएगा, और फिर मंडे से जो है ना प्रेजेंटेशन आपकी स्टार्ट होगी साथ में हम। जी मैम, मुझे ये बात करनी थी कि देखिए प्रेजेंटेशन में आगे वो जो नौखेज़ कह रहे हैं हमने ख़ुद को प्रेजेंट करना होता ना, तो ये चीज़ ज़रूरी है कि एक ग्रुप का मतलब एडमिन हो, उसको हम हर चीज़ अपना अपना टॉपिक मतलब राइट करके देन हम उसको पिक्चर्स भेजें, वो फिर उसकी स्लाइड्स बनाए, तो ये है कि वो जो एडमिन हो वो हमें बता दें हमारा टॉपिक कि भाई ये प्रैक्टिकल हमारे ग्रुप ने करना है और ये टॉपिक इस स्टूडेंट का है, तो वो उसको भेजने के बजाय खुद ही जब आप इस तरह हमारी क्लास हो तो वो खुद से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पहले खुद को प्रेजेंट करे फिर देन वो अपना टॉपिक करे। वो खुद ही करेगा, लेकिन ये कि देखिए आप में से ग्रुप है ना 10 लोगों का ग्रुप है या 5 लोगों का ग्रुप है, उसमें से एक या दो लोगों के पास बहुत अच्छा इंटरनेट होगा वो या लैपटॉप भी होगा, तो वो उसको स्क्रीन को प्रेजेंट कर देगा और वो अपनी प्रेजेंटेशन जो भी उसका पोर्शन होगा वो स्टार्ट करेगा, या जिसका भी पहले पोर्शन होगा वो उसको स्टार्ट करेगा और वो नेक्स्ट उसको स्लाइड्स को करता जाएगा, ठीक है? बाकी लोग भी बोलेंगे, ये भी ठीक है, हाँ बाकी लोग भी अपनी बारी पे बोलेंगे और वो भी बोलेगा, लेकिन ये कि स्क्रीन एक प्रेजेंट करेगा तो वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, अगर आप भी करना शुरू कर देंगे वो भी करेगा तो हर बंदे को स्क्रीन प्रेजेंट करते हुए जो है ना 4-5 minutes लग जाते हैं, और किसी की प्रेजेंटेशन मैम ये तो है एक जो है ना आप कह लें कि एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाती है, एक प्रॉब्लम आ जाता है, तो इस वजह से फिर हम सिर्फ एक ही जो है वो रेडी होगा वो उसको प्रेजेंट करेगा और बाकी लोग जो है ना वो उसको देख देख के बोलते जाएंगे। चल नेक्स्ट, मुझे लगा शायद जी मुझे लगा कि शायद ना वो एक ही उसको प्रेजेंट करेगा, वो टॉपिक सब भेजेंगे लेकिन उसको प्रेजेंट एक ही करेगा। सुनो आपने एक टॉपिक है, आपने उसको उसके सब टॉपिक्स जो है उनके ऊपर आप बनाएंगे, लेकिन पढ़ेंगे आप सारे टॉपिक्स, मैं किसी भी टॉपिक पे आप कह सकती हूँ कि आपने इसको प्रेजेंट करना है, इसको प्रेजेंट करना है, लाइक आपने एक पूरी फॉर्मेट बना के उसको आप सब सबको जो है उसके बारे में एक एक चीज़ का पता होना चाहिए। मैम बाकी टीचर्स ने ना ऐसे किया है कि उन्होंने ना एक्सेल पे वो जो ये मीट की शीट ही नहीं डाउनलोड होती है मैम, उन्होंने ना उस पे स्टूडेंट्स के नाम और आगे उनके टॉपिक्स ना लिख दिए, उनको टॉपिक्स असाइन कर दिए हैं। अब ये कि वो इंडिविजुअली या फिर ये कि ग्रुप वाइज वो 2-3 लोगों का ग्रुप बन रहा है, उन्होंने ना वो अपनी प्रेजेंटेशन जो है ना वो उस दिन अपनी स्क्रीन शेयर करनी, आज भी जो है ना वो इस तरह ना उसमें यह है कि उसमें तो फिर ये चीज़ नहीं है ना कि कौन मेहनत कर रहा है कौन नहीं, जो मेहनत करेगा प्रेजेंट भी वही करेगा और ये कि उसका ही नाम भी होगा और ये कि पता भी चल जाएगा, और दूसरा ये कि बाकी
में कि ज्यादा मेरे हिसाब से तो ज्यादा अच्छा इस तरह के टॉपिक से। यस मैम ये ठीक कह रही हैं, इससे स्पीकिंग स्किल्स भी पता चल जाएंगी, उसमें कितनी एबिलिटी है बोलने की ये सब पता चल जाएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन का यही मकसद होता है कि वो बंदा उसमें कितनी एबिलिटीज हैं, एफर्ट भी पता चल। और मैम हर बंदे का प्रेजेंट, हाँ जी हर बंदा प्रेजेंट करेगा, और मेरे पास आप लोगों की लिस्ट है स्टूडेंट्स की जो है ना एलएमएस पे लिस्ट होती है, तो उसी लिहाज से ग्रुप बना दूंगी। आई थिंक सो कि कोई इतना इशू नहीं है, आपने जस्ट एक क्लास के लिए आप टॉपिक असाइन करेगा हर स्टूडेंट, कोई भी एक भी बच्चा जो है ना वो लाइक उसको ये अपने लिए लाइक कि वो सेल्फ पिटी टाइप नहीं उसको फील होगा, वो नहीं डिप्राइव फील करेगा कि यार मेहनत मैंने की और क्रेडिट दूसरे बंदे को मिल गया। उसमें ये होगा ना कि हर बंदा अपनी खुद प्रेजेंट करे ना, और वो ये कि उसको पता हो कि जी ये मैंने काम किया है, तो वो ये कि ऐसा भी हो सकता है कि तीन तीन लोगों एक इंट्रोडक्शन दे ले, एक एक्सप्लेनेशन करे और कंक्लूड कोई थर्ड पर्सन कर ले, मतलब डिपेंड करता है ना कि टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, वो बड़ा इजी हो जाएगा। यस मैम टॉपिक अगर आप खुद ही असाइन कर दें तो यही आसान रहेगा, एक और टीचर है उन्होंने भी यही किया हुआ है। टॉपिक भी मैं खुद ही असाइन करूंगी, ग्रुप भी मैं खुद ही बनाऊंगी, आपको एक ईमेल आ जाएगी कि आपका ये ग्रुप है, ये आपका टॉपिक है और आप उसके ऊपर काम कर लीजिएगा। मैम मैं दिखाऊं अपनी स्क्रीन पे जो हम लोगों को जिस तरह सर ने टॉपिक्स असाइन किए या नहीं? इट्स ओके, मेरे पास आपकी लिस्ट है, मैं उसके ऊपर जो है ना आपको सिर्फ टॉपिक्स जो है ना आपके लिख के तो आपको भेज दूंगी, आप उसको देख। ओके मैम थैंक यू। इस पे लड़ने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारा इसके साथ ग्रुप है इसके साथ नहीं है, जिन जिनके साथ है आप उसके साथ कोऑपरेट कर लें। ये चीज़ आपको सिखाना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट का आपस में कोऑपरेशन जो है वो पॉजिटिव कोऑपरेशन रख सकते। मैम प्रेजेंटेशन तो इसीलिए की जाती है ना कि एक तो टीम वर्क हो, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स बंदे की इम्प्रूव हो, जितना अच्छा प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे देखिए ना मास्टर्स हो जाए बंदा और बात ना कर सके। और दूसरी चीज़ ये कि टीम वर्क, मतलब जब यूनिवर्सिटी में हम लोग लाइव एक रेगुलर यूनिवर्सिटी करते हैं तो उसमें भी तो यही कुछ ही होता है ना कि टीम वर्क भी होता है और प्रेजेंटेशन भी होती है, ताकि ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव हो और रिटन एक्सप्रेशन भी बंदे का अच्छा, उसको उसकी गलतियों का पता चले। जी चलें हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा लेक्चर है कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया इन लिक्विड मीडियम। मैम मास्क मीडियम का बता दें इसमें, सॉरी जी सॉरी मुझे समझ नहीं आई आपने क्या कहा। मैम वो आप प्लीज थोड़ा सा मार्क्स डिवीजन भी बता दें कि कितनी मार्क्स होंगे, कि वो बाद में पता चलेगा, वो बाद में मैं बता दूंगी आपको। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू। हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, काफी देर हो गई है तो सॉरी मैम। मैम एक बात पूछनी थी। पूछे रजिया। मैम प्रैक्टिकल्स लिखने की तरतीब आगे पीछे हो सकती है? मैं पहले अपडेटेड मैनुअल से लिख बैठी हूँ प्रैक्टिकल ना, 13 प्रैक्टिकल थे उसमें, दो मेरे रह गए हैं, वो मैं अब एंड पे लिख दूँ मैडम? तो अपडेटेड से लिखने हैं आपने, और कौन से कहाँ से लिखने हैं? अपडेटेड मैनुअल से लिखने हैं सब लोग। 2020 में 13 प्रैक्टिकल्स हैं और बाद में जो मुझे मिले हैं मैनुअल उसमें 15 प्रैक्टिकल्स थे, तो दो मेरे रह गए हैं, हैं वही सारे वाले। जो प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने, अब आपने लिख लिया है तो आपको क्या कुछ हो सकता है, आप लिख दें उसको। जी मैम ये स्कूल ओपन हो रहे हैं तो क्लास की टाइमिंग है क्या? हाँ जी यही रहेगी, अगर मैं इस टाइमिंग को आगे पीछे करती हूँ ना तो आप में से 77 स्टूडेंट में से 76 स्टूडेंट डिस्टर्ब होंगे, तो मैं एक स्टूडेंट के लिए दो स्टूडेंट। मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ ही मसला है जो ऑडियंस हैं इस वजह से। मैं इसको चेंज नहीं कर सकती अभी तो, अगर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम टीचर्स के साथ भी और स्टूडेंट्स के साथ भी, तो प्लीज़ आप इसको मैनेज करें जिस तरह भी हो सकता है, तो ये मुश्किल है ना, अगर मैं करूँगी तो ये सबके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि एक छोटी सी बात की सबके लिए इशू हो। मैम कल की टाइमिंग क्या होगी? कल जुमा है ना, कल की टाइमिंग यही है, 10 मिनट्स पहले क्लास स्टार्ट कर लूँगी, लाइक 12:50 तक मैं क्लास स्टार्ट कर देती हूँ, तो कल से हम 12:50। मैम इसका वही आइडिया होगा जो पहले भी मैंने कहा था कि अगर मेल स्टूडेंट्स चाहें तो 1:30 पे लीव कर दें, फीमेल स्टूडेंट्स अगर 2:00 भी लीव करें तो कोई मसला नहीं है। ओके ठीक है ठीक है, इस तरह मैं जल्दी से इस चीज़ को कवर कर दूंगी ना जो भी लेक्चर होगा, और आप लोग रनर्स लगा के, रनर्स से पहले आपको लगा लेनी है तो आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
लेकिन 12:50 तक मैं अपनी क्लास जो है ना वो स्टार्ट करूँगी, आप उससे पहले पहले ज्वाइन कर ली 12:50 तक जो है। मैम उससे पहले भी क्लास हो रही होती है। या नहीं मिलता, मैनेज होगा या नहीं? अच्छा चलिए कल की कल देखी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया इन लिक्विड मीडियम। अब मीडियम, लास्ट टाइम हमने मीडिया के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि उसको कंसिस्टेंसी की बेस पे, उसको केमिकल कंपोजिशन की बेस पे, उसको पर्पस की बेस पे हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स में सेम जो सॉरी मीडिया जो है हमने उनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम एक पढ़ेंगे कि कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया इन लिक्विड मीडियम, बैक्टीरिया है उसको लिक्विड मीडियम के अंदर हमने कैसे जो है उसको कल्चर करना है, कैसे उसकी ग्रोथ करवानी है। सबसे पहले तो हम ये चीज़ देखेंगे कि लिक्विड मीडियम होता क्या है और लिक्विड मीडियम को बनाएंगे हम कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास लिक्विड मीडियम जो है, इसको हम लूरिया ब्रॉथ भी कहते हैं, एलबी मीडियम भी कहते हैं, लिनक्स ब्रॉथ भी कहते हैं, या लूरिया बर्नेटाई मीडियम जो है ये भी कहते हैं, ठीक है। ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं, तो आप इसमें से कोई भी जो है उसको कह लें, इट्स फाइन, इसमें कोई इशू नहीं है। अब आपने इसको प्रिपेयर करना है, तो मैंने आपको बताया था कि लिक्विड मीडियम जो है वो होता है जिसके अंदर एगर नहीं होता, जिसके अंदर एगर की कोई भी कंपोजिशन जो है मौजूद नहीं होती, हम इसके अंदर एगर नहीं ऐड करते। इसलिए जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं आता, ये सॉलिडिफाई नहीं होता। अब जब आपने इसको यूज़ किस लिए करना है, आपने किसी बैक्टीरिया है उसको इसके अंदर इनोकुलेट करेंगे, और आपने बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म करने हैं उसके लिए हम लिक्विड मीडिया बनाते हैं, या आपने किसी बैक्टीरिया को स्टोर करना है, थोड़े अरसे के लिए स्टोर करना है, तो हम उसको पहले लिक्विड मीडियम के अंदर इनोकुलेट करते हैं, उसकी ग्रोथ करवाते हैं, फिर उसको जो है ग्लिसरॉल एक और केमिकल होता है उसके अंदर हम इसको ऐड करते हैं, उसको थोड़े अरसे के लिए जो हम सेव करते हैं, ठीक है। उसको फिर रेफ्रिजरेटर में -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो 6 मंथ्स के लिए या 3 to 4 मंथ्स के लिए जो है ना हम सेव रखने के लिए लिक्विड मीडिया जो है वो प्रिपेयर करते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं। अब हमारे पास दो तरह से हम ये मीडिया प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि रेडीमेड मीडिया होता है। रेडीमेड मीडिया का मतलब ये है कि आपके पास सारे जो मीडिया के कंपोनेंट्स होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो एक ही पैकिंग में होते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है कि आप 1 लीटर के लिए इसको इसके लिए इतना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम डायरेक्टली उसको प्रिपेयर करेंगे, या आप उसको कह लें कि ये मास्टर मिक्सचर है, उसके अंदर सारी चीज़ें एडिड होंगी, आपने उसको वे करना है, उसको वाटर के अंदर ऐड करना है और उसको डिसॉल्व करके, तो आपके पास क्या है, एक लिक्विड मीडिया प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन कुछ लैब्स के अंदर रेडीमेड मीडिया हमारे पास नहीं होता, वो जो रेडीमेड मीडिया है उसके सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास सेपरेटेड फॉर्म में होते हैं। लाइक एक बॉटल है उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट होगा, दूसरी बॉटल उसके अंदर दूसरा होगा, तीसरी बॉटल तो उसके अंदर तीसरा होगा। फिर हम देखते हैं कि आपने कौन कौन सी चीज़ें वो हमें कितनी कितनी मिकदार में चाहिए। लाइक आपने कोई एलबी मीडियम बनाना है, 1 लीटर बनाना है, तो उसके लिए हमें 10 ग्राम NaCl चाहिए होता है, 10 ग्राम ट्रिप्टोन चाहिए होता है, 5 ग्राम B6 चाहिए होता है, ठीक है। तो अब 1 लीटर आपने मीडिया प्रिपेयर करना, उसके लिए आपको 10 ग्राम जो है NaCl चाहिए, 10 ग्राम ट्रिप्टोन चाहिए, 5 ग्राम B6 चाहिए, और फिर 1 लीटर वाटर हम ऐड करते हैं। लेकिन जो 1 लीटर मीडिया बनाते हैं उसके लिए तकरीबन 40 पेट्रीपियर्स जो है ना, 40 पेट्रीपियर्स के अंदर वो आ जाता है। लेकिन आपका एक्सपेरिमेंट छोटा है, आपको 5 to 10 पेट्रीपियर्स चाहिए, तो आप इतना ज़्यादा मीडिया नहीं बनाएंगे, आप मीडिया कम कर लेंगे, ठीक है। आप उसको कम प्रिपेयर करेंगे ताकि जितनी आपको ज़रूरत है आप सिर्फ उतना ही प्रिपेयर करें, आप एक्स्ट्रा जो उसको बना के उसको वेस्ट ना करें। तो अगर आपने 1 लीटर प्रिपेयर करना है तो उसकी मैंने आपको ये अमाउंट्स बताई हैं कि इतनी अमाउंट जो है ना वो यूज़ होती है। लेकिन अगर आपने 500 ml यूज़ करना है, 500 ml जो है आपको रिक्वायर्ड है, तो आप क्या करेंगे, आप यूनिटरी मेथड से इसको कैलकुलेट करेंगे। लाइक 1 लीटर के लिए आपको NaCl की कितनी मिकदार चाहिए, 10 ग्राम चाहिए, 1 लीटर के लिए कितनी चाहिए और 1 ml के लिए कितनी चाहिए,
और फिर 500 ml के लिए कितनी चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपने 1 लीटर मीडिया है, सॉरी 1 लीटर LB ब्रॉथ बनाना है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें 500 ml जो है, 500 ml जो है ये चाहिए। अब इसको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, आपको पता है कि 1000 ml और 1 लीटर में कोई डिफरेंस नहीं होता। आप कहते हैं कि 1000 ml के लिए जो है आपको NaCl की कितनी मिकदार चाहिए, 10 ग्राम। 1 ml के लिए कितनी चाहिए, 10/1000। 500 ml के लिए कितनी चाहिए, 10/1000 × 500। तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, NaCl की वो वाली मिकदार होगी जो कि 500 ml के लिए हम यूज़ करेंगे। किसी को इस चीज़ की समझ आई है? आपके पास 1 लीटर को चीज हो या 1000 ml हो, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, 1 लीटर या 1000 ml एक ही बात होती है। तो 1000 ml मीडिया प्रिपेयर करने के लिए आपको NaCl की कितनी मिकदार चाहिए, 10 ग्राम। आप 10 ग्राम लिख लेंगे। और 1 ml के लिए कितनी चाहिए, 10/1000। 500 के लिए कितनी चाहिए, 10/1000 × 500। तो जो कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, NaCl की वो वाली मिकदार होगी जो कि 500 ml मीडिया बनाने के लिए हमें चाहिए होगी। ठीक है, तो ये 5 ग्राम जो NaCl जो 5 ग्राम आंसर आएगा, तो 5 ग्राम जो है वो 500 ml के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने ट्रिप्टोन जो है उसको भी 500 ml के लिए कैलकुलेट करना है, तो उसको भी ऐसे ही करेंगे कि 1000 ml के लिए आपको कितने ट्रिप्टोन की ज़रूरत है, 10 ग्राम की। 1 ml के लिए कितनी ज़रूरत है, 10/1000। 500 ml के लिए कितनी ज़रूरत है, 10/1000 × 500। तो ये भी क्या है, 5 ग्राम जो ट्रिप्टोन आपके पास आ जाएगी जो कि आपको 500 ml मीडिया बनाने के लिए चाहिए। इसके बाद यीस्ट एक्सट्रैक्ट है, तो यीस्ट एक्सट्रैक्ट जो है वो 1 लीटर के लिए या 1000 ml के लिए 5 ग्राम चाहिए होती है। तो 500 ml के लिए कितनी चाहिए होगी, हम इसको यूनिटरी मेथड से दोबारा से कैलकुलेट करेंगे कि 1000 ml के लिए यीस्ट एक्सट्रैक्ट की कितनी मिकदार चाहिए, 5 ग्राम। तो 1 ml के लिए कितनी चाहिए, 1000 ml के लिए यीस्ट एक्सट्रैक्ट की कितनी मिकदार चाहिए, 5 ग्राम। 1 ml के लिए कितनी चाहिए, 5/1000। 500 ml के लिए कितनी चाहिए, 5/1000 × 500। ठीक है, तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा जिससे पता चल जाएगा कि यीस्ट एक्सट्रैक्ट जो है वो हमें इतनी मिकदार में चाहिए। ओके, इस पॉइंट की किसी को समझ नहीं आई हो तो आप दोबारा से पूछ लें। अगर किसी बच्चे को अच्छे से समझ आई है तो वो स्टूडेंट के साथ एक्सप्लेन करें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जी, किसी को समझ नहीं आई? मैम आई है लेकिन थोड़ी थोड़ी आई है, सही से नहीं आई। चलिए मैं आपको बताती हूँ, जब आप छोटी क्लास में बच्चों को क्वेश्चन करवाते हैं तो आप उनसे पूछते हैं कि आपके पास 10 पेंसिल्स हैं, उनकी प्राइस कितनी है, 100 है। तो आपके पास अगर मैं 5 पेंसिल्स जो है वो स्किप कर देती हूँ, आपके पास 5 पेंसिल्स रह गई हैं, तो इनकी प्राइस कितनी आएगी, ज़ाहिर है वो भी कम हो जाएगी, 50 रुपीज़ हो जाएगी। तो अब इसको आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, आप कहते हैं कि 100 जो पेंसिल्स हैं वो सॉरी 10 पेंसिल्स जो हैं वो 100 रुपीज़ की हैं। 1 पेंसिल कितने की होगी, 100/10। और 50 पेंसिल्स और 5 पेंसिल्स कितने की होंगी, 100/10 × 5। तो आपके पास आंसर आ जाएगा जिससे पता चल जाएगा कि जो 5 पेंसिल्स हैं उनकी प्राइस जो है वो 50 रुपीज़ हो जाएगी, 50 रुपीज़ आएगी। सिमिलरली हम इसमें कर रहे हैं कि आपके पास 1 लीटर आपने मीडिया प्रिपेयर करना है, 1 लीटर मीडिया प्रिपेयर करना है, उसके लिए आपको NaCl जो है वो 10 ग्राम चाहिए। ठीक है, लेकिन अब हमने 1 लीटर मीडिया प्रिपेयर नहीं करना, हमें मीडिया की जो मिकदार है वो थोड़ी अमाउंट में चाहिए, हमें सिर्फ 500 ml में चाहिए या 200 ml में चाहिए या 300 ml में चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि 1 लीटर या 1000 ml के लिए NaCl कितना चाहिए, 10 ग्राम। 1 ml के लिए कितना चाहिए, 10/1000। और 500 ml के लिए कितना चाहिए, 10/1000 × 500। तो जो कैलकुलेशन आएगी, जो
के वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो NaCl की वो वाली कंसंट्रेशन होगी, वो वाली अमाउंट होगी जो कि 500 ml मीडिया बनाने के लिए हमें चाहिए होगी। ठीक है, इज इट फाइन? अब किसी को समझ yes, मैम अब आगे एक्सप्लेन करूं? प्लीज शोर करें। ट्रिप्टॉन के लिहाज से बताना है कि 10 ग्राम हमें ट्रिप्टॉन प्रिपेयर कर, भाई उसको किसी मीडिया के लिए हमें प्रिपेयर करना है। जी जी बिल्कुल। अगर सपोज हम लोगों ने 1 लीटर मीडिया प्रिपेयर करना है या फिर 1000 ml, ये चीज़ सेम है। अगर हमने उसको कम में करना है, सपोज हमने उसको 500 ml हमने एक मीडिया प्रिपेयर करना है, उसमें हमें किसी स्टूडेंट के पास अभी कॉपी पेंसिल है? यस मैम, मैंने नोट कर लिया है। ओके नोहिस, आप जो है ना मीडिया प्रिपेयर करें 200 ml के लिए। ओके मैम, मैं कर उसको कॉपी पे पहले प्रिपेयर करें, फिर आपने उसको बताना है। अब जो स्टूडेंट बता रही थी ना, आप बताएं शाबाश आप। यस मैम, अब सपोज हमें 500 ml एक मीडिया प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हमें जो ट्रिप्टॉन यूज़ करना है वो हम उसको इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि हम 10 / 1000 ml और उसको मल्टीप्लाई हमने 500 से कर देना है, तो हम लोग के पास वो अमाउंट ट्रिप्टॉन की आ जाएगी जो हमें ये 500 ml मीडिया प्रिपेयर करने के लिए चाहिए ना, वो अमाउंट हम लोग के पास आ जाएगी। ओके आपके पास नोटबुक है? अभी जो स्टूडेंट बोल रही थी यस मैम है। ओके आपने अब जो ना मीडिया प्रिपेयर करना है 700 तो 700 हाँ कॉपी पे जो ट्रिप्टॉन कहीं आपने NaCl ट्रिप्टॉन ये से तीनों की जो है ना वो कैलकुलेट करना है। आप इसको कैलकुलेट करें, जो अमाउंट्स आएंगी वो आपको बतानी है जी, और आपने बताना है कि आपने इसको कैसे किया। ओके मैम, ओके ओके। और इसके अलावा जी सबा अनम है हमारे साथ? यस मैम। जी आपको समझ आई कि मैंने ये क्या किया है, कैसे कैलकुलेशंस करवाई हैं? जी सबा अनम आपकी आवाज नहीं आ रही। नफीसा ठीक है हमारे साथ? Excuse me, ma'am. जी मैम, ये आप प्लीज जरा दोबारा से रिपीट कर देंगे? मेरा नेट कनेक्शन जो है वो ड्रॉप हो गया था, तो मैं ये अभी पिछले जो 5-7 मिनट का था ना ये सुन नहीं पाई, मैं कनेक्ट कर रही थी तो वो हो नहीं रहा था। ओके इट्स ओके, ये भी एक दो स्टूडेंट को मैंने थोड़ा सा टास्क दिया है, ये कंप्लीट करते हैं ना, तो दोबारा से आपको एक्सप्लेन करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं इसको जो है ना दोबारा से बताऊँ। देखिए मेरा दोस्त है कि
आएगी जो हमें चाहिए होगी, वो भी 7 ग्राम है। और इसके अलावा आगे यीस्ट की जो आगे यीस्ट एक्सट्रैक्ट उसकी हम लोगों ने जो अमाउंट निकाली है जो हमें चाहिए वो 3.5 ग्राम आपकी। और नुखेज आपका कंप्लीट नहीं हुआ? यस मैम हो गया। आपको 200 दिया था? यस मैम आपने मुझे 200 के लिए दिया था। इसमें मैम जो हमारे पास NACL की अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू NACL की वो है 10, उसको डिवाइड किया 1000 से। 1000 से इसलिए किया क्योंकि हमारे पास 1 लीटर की वैल्यू है, और 8 to 200 क्योंकि आपने मुझे कहा कि आपने 200 ml के लिए
कि आप कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसके लिए आपको कितनी मीडिया की जरूरत है, तो जिस लिहाज से आपको जरूरत होगी आप उस लिहाज से कितना जो है ना आपका इंस्ट्रूमेंट यूज करके कितना उसमें बना, ठीक है, और कैलकुलेशंस मैंने आपको बता दी हैं, आप कैलकुलेशंस जो है वो इस तरह करें. इज इट फाइन? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम, मतलब समझ आ रहा है. इसके अलावा और किसी स्टूडेंट को? नो मैम. चलिए, इससे नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट प्रैक्टिकल में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का इजाफा हो गया. एक चीज़ का इजाफा इस तरह हुआ है कि सॉलिड मीडिया बनाने के लिए हमें रिपॉन, NaCl, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, वाटर और उसके साथ एगर भी ऐड करना पड़ता है, ठीक है. अगर जब हम एगर ऐड करते हैं तो ये सॉलिड मीडिया बन जाएगा. सॉलिड मीडिया का मतलब है कि जब आप इसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, जबकि लिक्विड मीडिया जो है आप उसको बेशक रूम टेम्परेचर पर रखें, उसको फ्रिज में रखें या उसको किसी भी टेम्परेचर पर रखें, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं आएगा. तो एगर है, एगर एक ऐसा आप कह लें कि कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम मेरिन एल्जी से ऑब्टेन करते हैं, और ये सिर्फ मीडिया के अंदर क्या करता है, उसको सॉलिडिफाई करता है. इसके अलावा ये कोई न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करता है, ये कुछ भी नहीं प्रोवाइड करता, ये सिर्फ जो है वो मीडिया को सॉलिड फॉर्म में लेके आता है, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स जिस तरह हमने पहले फ्लास्क के अंदर सारी चीज़ें डाली थी ना, और सारी चीज़ें डाली थी, इस तरह अब हम एगर भी उसके अंदर वे करके वो भी डाल देंगे, उसको भी ऐसे कैलकुलेट करेंगे. डालने के बाद हम उसको ऑटोक्लेव करेंगे, ऑटोक्लेव करने के बाद हम उसको जो है वो बैटरी कूल डाउन करेंगे, कूल डाउन करने के बाद उसको बैटरी प्लेट्स में डालेंगे, बैटरी प्लेट्स में डाल के वो उसको सॉलिडिफाई करेंगे. सॉलिडिफाई करने के बाद हमने इसके ऊपर स्ट्रीकिंग करनी होती है या कल्चरिंग उसको कहते हैं, फिर हम वो करेंगे, ठीक है. अब आपने एगर जो है, एगर भी जो है वो 5 ग्राम, 1 लीटर के लिए 5 ग्राम चाहिए होता है. तो अब आपने उसको कम या ज़्यादा करना है, लाइक आपने 200 ml के लिए बनाना है, 300 ml के लिए बनाना है, तो आप उस लिहाज से उसकी कैलकुलेशन करते हैं और उसको वे करके डालते हैं, ठीक है. इज इट फाइन? यस मैम, कैलकुलेशन सेम एज इट इज़ वही है ना जो ऊपर लिक्विड मीडिया में थी, लेकिन पीछे जो है ना उन्होंने ऊपर जो है उन्होंने वो सारी जो कैलकुलेशन है वो 1 लीटर के लिहाज से दी हुई है, लेकिन इसमें उन्होंने 500 ml के लिहाज से दी हुई है, ठीक है. तो आपने इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये क्या कहा हुआ है. तो उसने वहाँ पे उसने किस लिहाज से दी हुई है, 1 लीटर के लिहाज से, और यहाँ पे 500 ml के लिहाज से दी हुई है. तो इसमें कोई यहाँ पे मैम 500 से डिवाइड करेंगे ना? जो आपके नोट्स में है ना, उन्होंने ऊपर जो सारी वैल्यूज दी हुई हैं वो 1 लीटर के लिहाज से, और नीचे जो सॉलिड मीडियम प्रिपरेशन में दी हैं वो 500 ml के लिहाज से हैं. दोनों सेम, लेकिन सिर्फ ये है कि उन्होंने वहाँ पे 1 लीटर के लिहाज से दिया, यहाँ पे 500 ml के लिहाज से दी है. तो आपने इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, वो सेम है, ओके. सिर्फ इसमें कंडीशनल चीज़ एगर है, एगर ज़्यादा है इसमें, मतलब एगर एडेड है, तो ऊपर वाले में एगर एडेड नहीं था. अब इसमें भी सारी चीज़ों को वे करना है, इसको फ्लास्क के अंदर डालना है, फिर डिस्टिल्ड वाटर डालना है, और डालने के बाद आपने उसको स्टीर करना है, हॉट प्लेट के ऊपर स्टीर करना है, फिर उसको जो है उसका जो फ्लास्क है उसके माउथ को आपने रैप करना है, और उसको एल्यूमिनियम फॉइल से रैप करना है, उसको ऑटोक्लेव करना है. ऑटोक्लेव करने के बाद आपने उसको कूल करना है, कूल करने के बाद फिर आपने उसको पैटी प्लेट्स के अंदर पोर, ठीक है. पैटी प्लेट्स के अंदर पोर करने के बाद आप उसको सॉलिडिफाई होने देंगे. सॉलिडिफाई होने के बाद जो काम हम करते हैं वो है स्ट्रीकिंग करते हैं, ओके. स्ट्रीकिंग में क्या होता है कि आप बैक्टीरिया को आइसोलेट करते हैं, लाइक ये देखिए, ये स्ट्रीकिंग का सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड है, ये क्लियर है सबको कि आपने किस तरह स्ट्रीकिंग करनी है. ये एक लिक्विड मीडिया था हमारे पास, इसके अंदर बैक्टीरिया पहले से हमने प्रिजर्व किया हुआ था, ठीक है. उसको उसने हॉट वाटर के अंदर रख के उसको लिक्विफाई किया है,
कि वो पहले हार्ड फॉर्म में था, इसको लिक्विड फॉर्म में लेके आए, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में लाने के बाद इसको जब दोबारा से कूल करेंगे कि इतना ज़्यादा हॉट ना हो कि वो डैमेज हो जाए। अब इसको कूल करने के बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये देखिए थर्ड स्लाइड में देखिए कि ये इसके कैप को ओपन करने के बाद इसको यहाँ पे क्या कर रहा है, ये स्टरलाइज कर रहा है ताकि अगर इसके हमारे हाथ की वजह से अगर ये इसके माउथ के ऊपर कोई जर्म्स आ गए हैं तो वो क्लीन हो जाए। क्लीन होने के बाद अब ये सारा मीडिया जो है इसको पोर कर रहा है किसके अंदर, पेट्री प्लेट्स के अंदर पोर कर रहा है। अगर तो आपने अभी इसे फ्रेश बनाया है तो आपको ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, उसको लिक्विफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्ट उसको ये इसके माउथ को यहाँ से स्टरलाइज करते हैं और उसको पेट्री प्लेट के अंदर पोर कर, ठीक है, उसको ऑटोक्लेव करके कूल हमने पहले से किया होता है। अब पेट्री प्लेट के अंदर पोर करने के बाद आपने स्ट्रिकिंग करनी है। स्ट्रिकिंग करने के लिए आपके पास पहले से कोई जो है या तो सैंपल होगा, कोई भी आपका जो है सैंपल हो सकता है, या आपने अगर कोई कीड़े को प्रिजर्व किया हुआ है ग्लेसरॉल के अंदर डाल के या लिक्विड ब्रॉथ के अंदर डाल के उसको 24 आवर्स के लिए रखा हुआ है, तो आप उसको उस टेस्ट ट्यूब को लेंगे, इनोकुलेटिंग लूप लेंगे, इनोकुलेटिंग लूप को स्टरलाइज करेंगे। इनोकुलेटिंग लूप को किस मेथड से हम स्टरलाइज करते हैं, मैंने पीछे बताया था, इसको रेड हॉट करते हैं। तो रेड हॉट कौन से मेथड में आता है, इंसिनरेशन में, ठीक है, इंसिनरेशन में आएगा। इसको इंसिनरेट करते हैं, इसको रेड हॉट करते हैं, ये स्टरलाइज हो जाता है। फिर आप इसको कूल करते हैं, थोड़ी देर अपने हाथ में पकड़ के रखते हैं, इसको कूल करते हैं। कूल करने के बाद आप जो है इसको नेक्स्ट इनोकुलेटिंग लूप को इसकी मदद से आप इसके अंदर से कोई बैक्टीरिया का कल्चर लेते हैं, बैक्टीरिया की कॉलोनी लेते हैं। कॉलोनी लेने के बाद आप ये टेस्ट ट्यूब को दोबारा से बंद करते हैं, इसको अपनी प्लेस पर रखते हैं ताकि आप इसको नेक्स्ट को यूज़ कर सकें, ठीक है। और आपने ये बैक्टीरिया की जो है इनोकुलेटिंग लूप की वजह से इसके ऊपर स्ट्रिकिंग कर दी है। स्ट्रिकिंग करने के बाद आपने इसको दोबारा से स्टरलाइज करना है, इसको रेड आउट करना है, फिर आपने इसको इसकी जगह पर वापस करना, ठीक है। अब स्टिकिंग जो है ये देखेंगे, स्टिकिंग ये है वन वे स्टिकिंग। अगर आप सिर्फ इसको वन के डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो ये वन वे स्टिकिंग है। इसको रोटेट करते हैं, फिर थोड़ा सा ये सेकंड वे में करते हैं, तो ये सेकंड वे स्टिकिंग है या टू फेस स्टिकिंग है। अगर आप इसको थर्ड टाइम्स लेके जाते हैं तो ये थ्री वे स्टिकिंग है। अगर आप इसको इस साइड पर भी लेके आते हैं तो ये फोर वे स्टिकिंग है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों जो है वो सेम चीज़ है। इसके बाद अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो ये इसको रेडियंट स्ट्रिकिंग कहेंगे। और अगर आप इनोकुलेटिंग लूप को यहाँ पर रख के एक पॉइंट पर रख के और उसको इस तरह बगैर उसको उठाए जो है वो सारी लाइंस लगाते जाती है, इसको हम कहते हैं पार्टिंग्स, ठीक है। तो ये स्ट्रिकिंग है। इससे क्या होगा, स्ट्रिकिंग हम क्यों कर रहे हैं कि जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर रखेंगे तो उसके साथ बहुत सारी बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया जैसे जैसे हम उसको नेक्स्ट प्रोसीड करते जाएंगे, नेक्स्ट फेज में स्टिकिंग करते जाएंगे, तो बैक्टीरिया आपको आइसोलेटेड फॉर्म में बिल्कुल क्लियर फॉर्म में आपके पास अपडेट हो जाएंगे, ओके, इज इट फाइन। अब ये जो है अगर हम ये स्टिच सॉलिड मीडिया हम इसलिए प्रीपेयर करते हैं ताकि हम स्टिकिंग कर सकें, बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सकें। आपको कल मैंने एक टाइप्स ऑफ मीडिया में सॉलिड मीडिया पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था सॉलिड मीडिया जो है उसके अंदर एगर भी एडिड होता है और उसको हम जो है किस लिए यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए। तो बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए हम स्ट्रिकिंग करते हैं। इस तरह जो बैक्टीरिया है वो जो एंड वाले फेज में आएगा ना, जो फोर वाली क्वाड्रेंट में आएगा, वो सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड फॉर्म में होगा। फर्स्ट में थोड़ा सा वो मिक्स कम्यूनिटीज होंगी, नेक्स्ट में थोड़ी सी वो सेपरेट होंगी, उससे नेक्स्ट में फिर और सेपरेट होंगी, फोर्थ में जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो आइसोलेटेड फॉर्म में, ठीक है। इज इट फाइन? यस यस मैम। मैम नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। ओके, मुझे पता है, लेकिन मुझे बताएं कि यहाँ तक आपको समझ आई सबको कि ये क्या चीज़ है? यस मैम। यस मैम। लीला सा कह रही हैं। यस मैम। मैम समझ आ गई। मैम असल में परफॉर्म नहीं कर रहे तो ऐसा लगता है जैसे रट्टा लगा रहे हैं, मतलब इमेजिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए ऐसे करें, जिन स्टूडेंट की क्लास है ना वो बेशक चले जाएँ, बाकी मैंने आपके साथ दो वीडियोस जो हैं वो स्क्रीन प्रेजेंट करके आपको दो वीडियोस दिखाती हूँ, आप उसको देखिए,
अटेंडेंस हो गया, मैंने सबके अटेंडेंस ले लिया। ठीक है मैम, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जी बोलिए मैम। हमने अब जब नोटबुक बनानी है तो आपने जो जिस डेट को जो प्रैक्टिकल कराया हमने साथ डेट भी मेंशन करनी है। जी मैंने फर्स्ट क्लास में। अच्छा, और साथ आईडी भी, अपने स्टूडेंट आईडी भी लिखनी है साथ ही। बिल्कुल लिखनी है, मुझे कैसे पता चलेगा आप कौन है? मतलब हर पेज पे लिखनी है, मेरा ये क्वेश्चन है। फर्स्ट पेज पे है अपना नेम पेज, बस उसी पे लिखनी है। अच्छा बस ठीक है, फिर ठीक है। ठीक है ओके। एक्सक्यूज मी मैम, मैंने बात करनी थी कि मेरी जो सी अटेंडेंस है वो सिर्फ 50% शो हो रही है। अच्छा, मैं आज जो अटेंडेंस रहेगी ना आपकी वो कंप्लीट करूँगी, फिर आप मुझे बताइएगा। जी ठीक है मैम। मुझे भी बात करनी है कि मेरी अटेंडेंस मेरी तो बहुत कम शो हो रही है 40%। कल बताइएगा प्लीज मुझे। अभी जिन स्टूडेंट की क्लास है वो जा सकते हैं, बाकी अगर